हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्निंग गार्डनिंग प्लांट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट के बारे में जिसे हर कोई जानता है। इसके जो है वो काफ़ी नाम है, जैसे लाजवंती, टच मी नॉट, छुई मुई, सर्वीली अंदाज का पौधा, निमोसा पुडिका, बहुत सारे इसके नाम है फ्रेंड्स। और बारहमासी ये पौधा होता है और एक प्रकार से फैलने वाला पौधा है, झाड़ी के रूप में पाया जाता है और अपनी तेज़ी गति के कारण जो है पहचाना जाता है। इसकी गति जो होती है बढ़ने की काफ़ी अच्छी होती है। आमतौर पर यह लगभग 15 से 50 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन अन्य पौधों की मदद से अगर इसे लगाया जाए तो ऊंचाई जो है इसकी 1 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई भी ये प्राप्त कर सकता है। यह पौधा जो है वो छाया सहन करने योग्य नहीं होता है। यदि हम इस पौधे को इनडोर लगा लेते हैं या जहाँ छाया आती है वहाँ लगा लेते हैं ज़्यादा, तो वहाँ ये पौधा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती है प्रॉपर धूप में ही अच्छे से खिल पाती हैं। क्योंकि वैसे भी जब श्याम होने लगती है तो इसकी पत्तियाँ जो है धूप ना मिलने की वजह से जो है सिकुड़ जाती है, और जब सुबह होती है तभी इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे वापस से खुलती हैं। तो श्याम के समय अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, जैसे जब कोई इंसान जो है इसे छुएगा तब इसकी पत्तियां जैसे बंद हो जाती है, मुरझा जाती है, वैसे ही शाम होने के बाद में भी प्रॉपर धूप न मिलने की वजह से इसकी पत्तियां जो है वो एकदम से बंद हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस पौधे को हमेशा ही लगाएं, तो जहां अच्छी धूप आती हो वहीं आपको लगाना चाहिए। इसके जीवन काल के बारे में अगर बात की जाए तो 10 से 12 महीने तक ये जीवित रहता है। जैसे कि कहा है कि बारहमासी पौधे के रूप में जाना जाता है, परंतु अगर इसकी उचित प्रकार से देखभाल की जाए तो यह 12 से 15 महीने तक भी जीवित रह सकता है। और लाजवंती का जो पौधा होता है इसके बीज भी होते हैं। पौधे के बीज जो हैं वो बोने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो कि ये सबसे पहले बीज को पानी में भिगो दे, क्योंकि यह बीज जो है वो हल्का कठोर होता है। इसे पानी में अच्छी तरह से भिगोने के लिए कम से कम 24 घंटे छोड़ देना चाहिए अगर इसे लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बीज अच्छी तरह से बोने योग्य हो जाए और उसके बाद उन बीजों को अच्छी तरह से किसी भी गमले में लगा दें। आपके जो है अच्छे से ये प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। आप बागानों में इसे लगा सकते हैं और इसे पानी जो है वो भरपूर पानी ही देना चाहिए। इस प्लांट की अगर केयर की बात करें तो लाजवंती के बीज को बोने के बाद थोड़े ही दिनों में वे अंकुरित होना जैसे ही शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वे पौधे के रूप में बढ़ने लगते हैं। इसके बाद उन पौधों की जो है हमें देखभाल किस प्रकार से करनी है तो मैं थोड़ी बता देती हूँ। पौधे के बढ़ने के दौरान उन्हें धूप की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये धूप में ही अच्छे से प्रॉपरली इनकी पत्तियां खिल पाती हैं, इसलिए इन्हें रोज़ाना सुबह की धूप जो है किरणें आने वाली स्थान पर इसे रखें जहां अच्छी धूप आती हो और इसमें कभी पानी की कमी न होने दें, क्योंकि पानी की कमी की वजह से प्लांट ख़राब हो सकता है, पौधे की जड़ जो है वो सूख जाएगी और पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। और इन पौधों में प्रतिदिन जो है आवश्यकता अनुसार पानी डालें ताकि पौधे जो हैं वो अच्छे प्रकार से विकसित हो सकें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पौधे में जो है वो छोटे छोटे कीट लग जाएं और जो है वो पौधा जो है वो धीरे धीरे से ख़राब होने लग जाए, तो ऐसे में कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करना चाहिए। पौधे की जो तैयार होने के दौरान उसकी पत्तियां शाखाएं अगर सड़ने या गलने लग जाए तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, जो भी पत्ती ख़राब होने लगे या जो भी शाखा जो है वो ख़राब होने लगे। अगर इसे सजावटी पौधे के रूप में आप उगा रहे हैं तो समय समय पर इसकी कटाई और छंटाई भी कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता है फ्रेंड्स, लेकिन जो इसकी उपयुक्त मिट्टी है वो बालुई मिट्टी है, जो कि हल्की उपजाऊ हो, तो उसमें ये बहुत ही आसानी से लग जाता है फ्रेंड्स। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।